नमस्कार, आप सबका मेरे YouTube चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। क्वेश्चन इनके ये हैं, 38 साल के प्लस हो चुके हैं, इनके क्वेश्चन ये हैं, लाइफ हिस्ट्री के बारे में जानना है। बड़ा अजीब लगता है मुझे कि ये टेस्टिंग क्यों लाइफ हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री, लाइफ हिस्ट्री का मतलब आपकी ज़िंदगी में जो जो हुआ है ये आपको जानना है, दूसरे को टेस्ट करना है। ये लोगों की मेंटालिटी है, मैं चेंज नहीं कर सकता। क्या मैं करोड़पति बन सकता हूँ? फैमिली के बारे में बताएं। घर बड़ा बनवाना चाहता हूँ, उसे रेंट पे देना चाहता हूँ, शेयर मार्केट में जो पैसा लगाया है क्या वो पैसा जो है बढ़ेगा, फ़ायदा होगा? ये क्वेश्चन है। घर रेंट पे देना ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नहीं है लाइफ हिस्ट्री के बारे में बताना। एनीवे, मेरे हाथ में मंगल रेखा है, मैं इनसे कह रहा हूँ कि आप इस साल पर ध्यान देना, नहीं तो एक्सीडेंट होगा। सर, मेरे हाथ में मंगल रेखा है और मंगल रेखा जो होती है ना वो बचा लेती है, तो मेरे को कोई टेंशन नहीं। ओवर कॉन्फिडेंस हो, और वैसे कहाँ पर है मंगल रेखा ज़रा बता दो आप, ये कहाँ पर है मंगल रेखा ज़रा मुझे बताओ, कहाँ है, किस जगह पर है जरा बताओ, ये कहाँ पर है? ये आपका ही हाथ है, किसी और का तो है नहीं। अपने हिसाब से आप जो मर्जी कह लो, मेरे हाथ में मंगल रेखा है, ये मंगल रेखा होती, मैं वो मान लूँगा। बच्चा होता है, बादलों को देख के कहता है अरे वाह परी आ गई, ओ उसमें एक जो है रथ आ रहा है बारिश के बाद, कहता है ना, कहता है। तो क्या वो रथ होता है? नहीं होता ना, उसे दिखता है। आप जो मर्जी कहते रहो कि ये मंगल रेखा है, बचा लेगी, है ही नहीं, ना इधर है ना उधर है, लेफ्ट हैंड में भी नहीं है, नहीं है। तो मन से निकाल दो, ये वाली रेखा यात्रा रेखा है, ये यात्रा ही करवाएगी आपको, ठीक है। ये वाली लाइन का मतलब ये है कि लाइफ प्लस अर्निंग, ये दोनों इकट्ठे चल रही है, यानी आपका जो स्टेटस होगा, जिंदगी जो है वो जुड़ी हुई है आपकी, आपके प्रोफेशन से। यानी एक बंदा लाइफ में मान के चलिए पढ़ाई करता है, बहुत अच्छा करता है, वो पढ़ाई से पैसा कमाता है। आपकी ज़िंदगी में पढ़ाई से पैसा नहीं है, ज़िंदगी चलानी है इसलिए काम करना है। ये लाइन इसलिए बनी, ये लाइन इसलिए बनी है, ठीक है। लेफ्ट हैंड को देख लो, मंगल रेखा तो नहीं दिखाई दे रही, मंगल रेखा तो नहीं दिखाई दे रही है मुझे, और शायद YouTube में जो ये वीडियो देख रहा होगा उसे भी नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन आपने उसे गलत मान लिया कि वो मेरे हाथ में वो मंगल रेखा है। मान लो, गलत मानने से क्या होता है? और एक बात बताओ, अगर मंगल रेखा है तो क्या वो बचाव हमेशा करेगी? कोई कट का निशान ना हो, और मैं तो नहीं कभी कहता मंगल रेखा है तो, एनालिसिस में मंगल रेखा में मैंने बोला है कि दूर से देख कर कि इससे आदमी बच जाएगा। मैं तो उसमें क्या देखता हूँ, उसमें देखता हूँ बिजनेस प्रॉपर्टी, यही देखता हूँ ना। ये लाइनें बनी होती हैं, अगर ये पैरेलल बनी हैं इसमें क्या देखता हूँ, पीछे से लाइन आ रही है तो वो क्या करेगी पीछे से, यानी आपका बिजनेस नहीं है, आपकी लैंड नहीं है, आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, किसी रिश्तेदार की है, आपके फादर की है, वो आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी? मैं ऐसे कहता हूँ ना, मैंने तो नहीं कहा। तो आप गलत समझ लो, वो एक आपके ऊपर है। रही बात लाइफ हिस्ट्री, लाइफ हिस्ट्री तो काम मेरा है भाई, आप मुझे टेस्ट मत करा करो, टेस्ट मत करो मुझे, थक जाता हूँ कह कह के। आप क्वेश्चन नहीं दे रहे, मैंने कहा क्वेश्चन क्या है, लाइफ हिस्ट्री जानना है, ये क्वेश्चन नहीं है। फैमिली के बारे में क्या जानना है? अरे भाई ABC तो बताओगे फैमिली के बारे में। सर, इस व्यक्ति की को सेहत की प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, कहो ना, क्यों नहीं कहते? वो नहीं पूछना है। देखो, ये एरिया पढ़ाई के लिए होता है, लेकिन ऐसे हाथों में जिसमें पढ़ाई जो है वो नहीं है इन फ्यूचर, तो यहाँ और यहाँ पर इस लाइन का मतलब ये है कि इस जगह पर आपको अगर कोई
पढ़ाई चेंज करनी थी, सपोज़ पढ़ाई चेंज करनी थी, स्कूल चेंज करना था, तो यहीं पकड़ते हैं, इसी जगह पर देखा जाता है, यहाँ ट्रायंगल बना होता है तो आप कहते हो डिग्री मिलती है, कहते हो ना आप लोग, तो मैं तो यहीं देखता हूँ, यहाँ देखता हूँ, यहाँ देखता हूँ, ठीक है। अब यहाँ और यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर ने काला धब्बा बना दिया, इट मीन्स कि यहाँ पर कोई चीज़ हुई है। जैसे सपोज़ इस समय पर ये साइन ऐसे बनाया था, ऐसे, तो आपको एक जगह से दूसरी जगह किसी रिश्तेदार के यहाँ पर भेजा गया होगा 13 से 14 साल के बीच में। ये एक एरिया क्या है, बहुत ज़्यादा डार्क बन चुका है, इसीलिए ये एरिया जो था इंडिकेट कर रहा है कि आपके फैमिली मेंबर यहाँ पर, ये एरिया टूटा हुआ है ना, ये देखो आगे जाकर क्या है साइन, ये वाला साइन क्या इंडिकेट करता है, किसी पुश्तैनी लोग को, पुश्तैनी में दादा नाना चाचा ताऊ, इनको कोई प्रॉब्लम आई होगी, कोई हेल्थ प्रॉब्लम होगी, तो ये 17 साल की उम्र है, ठीक है। देखते कैसे हैं, एनर्जी लेवल देख लो वहाँ पर क्या, नीचे देखो, आपको खुद समझ आए। ये एक एरिया पर इस तरीके से एक ट्रायंगल बनाया था, ये काम है। अब पढ़ाई होती नहीं तो पढ़ाई में दिक्कत आई थी, मैं ये बोलता और आपको कहीं दूसरा पढ़ाई के लिए दूसरा स्कूल जाना पड़ता। यहाँ पर मैंने काम बोला, 18 साल में आप काम के लिए कहीं गए होंगे, कुछ काम किया होगा। अब ये साल पर क्या हो रहा है, इस रेखा ने इंटरसेक्ट कर दिया ना, अलग रेखा चल रही है ना, जुड़ी हुई है ना, और यहाँ दो रेखाओं के साथ ये वाली रेखा ऐसे बना है। यहाँ मैंने लिखा आपके काम में दिक्कत आएगी, कुछ ना कुछ फंसेगा, केस फंसा, फिर आप इसी साइन के साथ ये साइन बना, एक जगह से दूसरी जगह पर गए, इसलिए ये साइन ऐसे बना दिया था, समझ रहे हो। तो मैंने कहा भाई 20 से 21 साल के बीच में एक जगह से दूसरी जगह यहाँ पर केस में कोई दिक्कत आई होगी, वो केस रिलीज हो गया होगा 24 साल में, क्योंकि पहले ये ट्रायंगल बना, यहाँ दिक्कत आई, इसके बाद इस ट्रायंगल ने, इस लाइन ने इसे छुआ हुआ है और ये यहाँ पर रिलीज़ करा देगा 24 साल में वो रिलीज़ हो गया, और यही कारण था 24 में यहाँ पर भी देखो इस दिक्कत के साथ ये वाला ट्रायंगल बना रखा है। तो आपको एनर्जी लेवल के हिसाब से आगे बढ़ना है, एनर्जी लेवल के हिसाब से एक रेखा पकड़ी, उसे पकड़ते पकड़ते आगे चलना, सारी चीज़ें मिलती हैं। अब देखो इस वाले साइन के बाद यहाँ पर देखना, ये वाली लाइन ने देखो इस जगह पर ट्रायंगल बना रखा है, यहाँ पर एक ये है, एक जगह से दूसरी जगह पर वापस आना, ठीक है। तो यानी इस रेखा ने इस रेखा को पकड़ा हुआ है ना, ये काम है किसी के साथ मिलकर या कोई चीज़ जो है यहाँ पर करना, इसी समय पर कोई घर बनवाने की बात होना, क्योंकि ये ट्रायंगल नीचे की तरफ से भी आ रहे हैं, ये देखो ये रेखा नीचे की तरफ से भी ट्रायंगल बनाकर आ रही है, ये नालिका रेखा वाला हाथ है, ये देखो ये नालिका रेखा वाला हाथ है, ये ट्रायंगल्स बनते हुए आ रहे हैं, ये घर है, क्योंकि आगे जाकर आपको यहाँ शिफ्ट मारना है उस घर को, ठीक है ना, यहाँ शिफ्ट मारना है। ये है आपका 31 से 32 साल के बीच में, तो इन हाथों को इस ढंग से पकड़ा जाता है। अब ध्यान से देखते रहो, लाइफ में आपने क्या देखना है, सबसे पहले ऊपर वाले पर देखना है, यहाँ देखना है, फिर आपने देखना है कि इन एरिया पर कुछ साइन गड़बड़ के तो नहीं चल रहे, बीच में कोई ट्रायंगल तो नहीं बन रहा, सारी चीज़ें सही चल रही हैं नहीं चल रही हैं, पहले वो पकड़ो। ये वाला ट्रायंगल क्यों बनाया, इट मीन्स कि इस समय पर कुछ ना कुछ आपने अपना कोई शिफ्टिंग या कोई चीज़ करनी होगी उससे रिलेटेड है। अब आगे जाकर देखना है कि कोई दोबारा ट्रायंगल तो नहीं बन रहा, कोई आपने शेयर मार्केट में किसी कहीं और पैसा लगाया हो या कुछ करा हो। ये नालिका हाथ वाले हाथ हैं, इनको इस तरीके से नहीं देखा जाता। मुद्दा पकड़ो कि कोई भी रेखा अगर किसी जगह पर जाकर रुक रही है तो वो एनर्जी को ख़राब कर रही है। अब यहाँ पर रुकने के बाद एक ट्रायंगल बनाया है, रुकने के बाद करा है या नहीं करा है, ऐसे अगर एनालिसिस करोगे कभी दिक्कत नहीं आएगी। वैसे अगर आप यही देखते रहोगे, हाँ भैया ऑफशूट बना है, देखो यहाँ पर भी देखो जीवन रेखा के साथ एक ही रेखा बनी है, ये
ये मूर्ति रेखा है। अब ये कहते हो तो भाई शादी के बाद जो है भाग्य उदय होता है, जो मर्जी कहते रहो, आगड़म पगड़म बोलते रहो, इस रेखा ने इस रेखा के साथ कहे कि जिंदगी भर जो है आपने वही काम करना है जिससे एक स्टेट से दूसरी स्टेट, ये रेखा मुड़ गई ना, ये मुड़ गई ना। अब ये क्या, अगर मुड़ी हुई के साथ ही अगर आपकी ट्रैवलिंग लाइन बनी हुई है, यात्रा रेखा बनी हुई है, तो इंडिकेट कर रहा है कि आप जितना घूमते होगे, ऐसी कौन सी फील्ड है, ट्रैवलिंग की फील्ड है। आइदर ऐसे हाथ जो होते हैं, मान के चलो अगर इसमें बहुत सारे सूर्य रेखा भी होती, ये भी होती, अच्छे अच्छे साइन बने होते, तो मैं यहाँ पर आपको ड्राइवरी नहीं कहता, पायलट बोल देता, पायलट बोल देता। या आप ड्राइवरी ना करके आप क्या करते, आप बड़े से बड़ी गाड़ियां डालते, और वो गाड़ियों का बिजनेस जो होता है वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट पर उन्हें देखने जाते, तब भी ये वाले साइन आ जाते। मुद्दा क्या है, ट्रैवलिंग लाइन को जो भाग्य रेखा ने ट्रैवलिंग लाइन को छू रखा, तो ये यात्रा करवाएगी करवाएगी, और यात्रा का स्तर होगा वो एक्सट्रीम लेवल पर होगा। 5 दिन के लिए चले गए, 10 दिन के लिए चले गए, 15 दिन के लिए चले गए, एक स्टेट से दूसरी स्टेट, दूसरी से तीसरी, तीसरी से पांचवी, पांचवी से आठवीं, वहीं से दूसरी जगह, वहीं से दूसरी जगह, वहीं से दूसरी जगह, महीने लग गए, वापस आए, फिर थोड़ी देर रहे, फिर चले गए। ये इसलिए सीधा ही जोड़ दिया गया, इसलिए इस रेखा को सीधा ही जोड़ दिया गया, ख़त्म बा। अब क्या इससे कोई अर्निंग, ऐसी अर्निंग, अब या तो अर्निंग का स्तर होता है, एक लाइन होती यहाँ पर, जैसे आप मंगल रेखा कहते हो, मैं उसको मंगल रेखा के हिसाब से नहीं जोड़ता, मैं ये जोड़ता कि क्या उस पर कोई ये बॉक्सेस बने जिससे कि आप आगे जाकर कुछ अपनी ज़मीन लेकर कुछ लेकर करें। लेकिन ना भी हो, अगर ये साइन बने हैं, इन रेखाओं ने जोड़ रखा है अपने हिसाब से, समझते रहना, ये जोड़ रखा है, ये प्रॉपर्टी है, यहाँ दिक्कत आएगी, फिर उसके बाद जो है एक रेखा ने ट्रायंगल बना दिया है, ये बनाया ना, सब उल्टे इन्हीं रेखाओं पे ट्रायंगल बन रहे हैं ना, बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं, तो ये भी प्रॉपर्टी है, ये भी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी बनानी है, उसे उस पर भी अर्निंग करनी है, जिससे कि आपकी लाइफ जो होती है, अपना काम भी नहीं छोड़ना है, गाड़ी का काम भी नहीं छोड़ना है, वो भी काम करना है, इससे प्लस आदमी होता है, अर्निंग जो है प्लस होती रहती है, यही हाथ है, बस यही क्वेश्चन था कि क्या मैं घर लेकर बनाऊंगा, हाँ जी बनाओगे, उसमें जो है अर्निंग होगी, हाँ होगी, रेंट पे चढ़ा देना हो जाएगी, क्या मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करूं, हाँ बस केवल जो है 43 और 40 इयर्स में मत करना, नहीं सर मेरे हाथ में मंगल रेखा, अगर मैं तेज भी चलाऊंगा तो मेरा बच जाऊंगा, नहीं बचोगे, मर जाओगे, मैं कह रहा हूं, अगर मैंने कहा है वहां पर ध्यान नहीं रखोगे तो, लिटरली बोल रहा हूं, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाओगे, नहीं कर सकती मंगल रेखा काम, नहीं कर सकती। एक तो वीडियो नहीं डाला था मैंने मंगल रेखा वाला, नाम तो बताऊंगा नहीं, बहुत बड़ा शराब के जिसके जो थे 500-800 ट्रक चलते थे रोज, उसके हाथ में मंगल रेखा थी, पूरी फैमिली 16-17 आदमी मर गए फैमिली के, लेकिन वो बचता रहा। उसका वीडियो नहीं डाला था, उसने स्पेशल मना करा था, और वो 5.5 साल हो गए हैं इस बात को। तो एनीवे बहुत कम लोग होते हैं, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है, आप इसे मत समझो मंगल रेखा है, देखो ये साइन एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचा देगा आपको, या आपके फैमिली मेंबर यहाँ पर क्या करेंगे, जगह चेंज कर देंगे, वो जगह चेंज नहीं करेंगे तो आपको भेज देंगे कहीं कि आप वहाँ रह लो। ये देखो इस जगह पर नीचे भी दिक्कत थी, ऊपर भी थी, तो मैंने कह दिया यहाँ पर कोई फैमिली मेंबर को प्रॉब्लम, ये ट्रायंगल बनाकर बीच में ये रेखा है, ये मैं क्या कहता, पढ़ाई कर रहे हो, कोई दूसरा स्कूल यहाँ पर होता, यहाँ स्कूल नहीं का काम बोला है मैंने, इस जगह पर काम में दिक्कत आई होगी एक जगह से दूसरी जगह, ये केस पड़ा, ये ना यहाँ केस, यही रेखा आगे जा रही थी, मैंने कहा केस रिलीज हो गया होगा, लेकिन पैसों की दिक्कत आई होगी, समय अच्छा नहीं गया होगा। ये देखो
ये क्या है, किसी के साथ मिलकर काम करना, प्लस यहाँ पर मैंने लिखा घर, यही रेखा आगे जा रही है, घर शिफ्ट करवा दोगे, ये क्या है, यहाँ पर दिक्कत आएगी किसी फैमिली मेंबर को, यहाँ शिफ्ट हो गए। अब यहाँ देखो ये क्या है, यहाँ एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे गए, यहाँ एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे गए, ये आपने पैसा किसी को दिया होगा, वो वापस ही नहीं आएगा। यहाँ आकर 31 में फिर लिखा मैंने, यहाँ कोई गाड़ी में कोई दिक्कत आई होगी, गाड़ी से रिलेटेड कुछ ना कुछ हुआ है 31 में। फिर 33 में एक जगह से दूसरी जगह पर गए, यहाँ पर देखो समय सही चल रहा है, केवल जो ऊपर वाला समय है ये है किसी ऐसी जगह पर जाना जहाँ अनकंफर्टेबल है, या कोई पैसा दे रहा है, देने की बात करी होगी दो जनों ने, वो फिर मुकर गए होंगे पैसा देने में, ये वाला शायद एक मुसीबत लाता है दूसरी लाता है, ये वो है। लेकिन अगर रही बात, अगर आप यहाँ पर कोई पैसा लगाते हो जो पहले भी लगाया है उसको नुकसान नहीं होगा, इस जगह पर पैसा लगाया है तो नुकसान नहीं होगा, तो यानी शेयर मार्केट में पैसा आप 37-38 में भी लगा सकते हो, 35 में लगाया होगा कोई नुकसान नहीं होगा, और 39-40 में फिर एक जगह से दूसरी जगह पे जाओगे। ये अगर शिफ्ट लगाना हो, घर है शिफ्ट है, तो ये देखो दो रेखाओं के साथ टच है, तो यानी 40 पर ना तो किसी को पैसा देना है ना इन्वेस्टमेंट करनी है, लेकिन इस 40 से 41 में घर शिफ्ट किया जा सकता है। अब मुद्दा आता है, एक घर बीच में बनवाकर कंस्ट्रक्शन रोक दोगे, दो रेखाओं के साथ फिर कंस्ट्रक्शन का एक साइन आया है, रोकते नहीं हैं, रोकते नहीं हैं, कभी भी कंस्ट्रक्शन को बीच में मत रोका करो, इकट्ठी बनाया करो। अगर यहाँ रोकते हो तो शनि दिक्कत देता है, ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर नहीं करते, पैसा अपने पास रख लेना, और इसके बाद यहाँ इस टाइम पीरियड पर देखो 43 में तो कोई एक्सीडेंट, 40 या 43 में तो कोई या कोई बीमार पड़ेगा, ठीक है, यह तो यहाँ पर साइन है, यहाँ पैसा मत लगाओ, लेकिन इसके बाद तो समय सारा सही है। जो ये वाले साइन पीरियड पर आप शेयर मार्केट में भी लगा सकते हो, यहाँ पर आप अपनी जो कंस्ट्रक्शन रुकवाई थी, अगर पैसा वो वाला और ये वाला मिलकर करते हो तो यहाँ पर बन के तैयार भी हो जाएगा, अर्निंग भी शुरू हो जाएगी, अर्निंग भी शुरू हो जाएगी। तो यहीं तक बता रहा हूँ, इससे आगे आपका पिक्चर नहीं थी, और आपने कहा था जितना हो सके उतना बता दो, यही बोला था ना, तो मैंने वहाँ तक बता दिया। अब मुद्दा आता है, एक वीडियो देखा था, एक एस्ट्रोलॉजर कहता है अपनी वाइफ साथ में ले गया, गोलगप्पे खिला रहा है, कह रहा है केतु राहु के लिए सबसे बढ़िया उपाय है कि गोलगप्पे खिलाओ। अरे ऐसे लोगों को तो सत्यानाश होना चाहिए जिन्होंने एस्ट्रोलॉजी को ये यहाँ तक ले आए कि भैया देखो गोलगप्पा होता है वो राहु है, उसमें नमक मिर्च डला हुआ है, वो खटास है ये। अरे क्या बातें कर रहे हो यार, हद हो गई यार तुम लोगों की, हद हो गई यार, एस्ट्रोलॉजी का सत्यानाश किया हुआ है, सत्यानाश। ऐसी ऐसी एप्लीकेशन है गूगल प्ले स्टोर पे, हाथ रख दो जी अपने आप बता देगी वो, बहुत बढ़िया पामिस्ट्री का। ऐसे ऐसे पंडित बैठे हुए हैं कि पैसे दो वो लाइव जो है बात करते हैं, सारी बातें झूठ निकलती हैं। अब मैंने जो इनसे, इन्होंने मुझे कहा कि लाइव हिस्ट्री बताओ, मैंने तो देखो मैं मुकरा नहीं ना, मैं मुकरा हूँ, मैं तो 13 साल से बता रहा हूँ, इन सालों में बता रहा हूँ सारी चीज़ें मैच हो रही हैं। ऐसा कौन व्यक्ति है जो पास्ट की चीज़ों को बता रहा है ताकि आप लोगों को समझ आए कि ये समय सही गया था, जब ये गया था तो फ्यूचर भी जाएगा, और आप मेरे से बहस कर रहे हो कि नहीं मेरे हाथ में मंगल रेखा है, मेरे को एक्सीडेंट हो नहीं होगा, मेरा क्यों नहीं होगा, होगा करके देखो, क्योंकि वहाँ पर साइन बना हुआ है, ओवर कॉन्फिडेंस बना हुआ है, बना हुआ है, रुका हुआ है तक, और नीचे ये साइन है, यहाँ कोई प्रॉपर्टी भी नहीं बेचनी, कोई गाड़ी का इंजन भी खुल रहा है ध्यान रखना, पहले ही बता दिया है, कोई बीमारी आ सकती है, ओवर कॉन्फिडेंस हो तो भगवान यही तो चाहता है गलती करो,
गलती करो। तो ये हाथ इस तरीके से चल रहा था, ठीक है। आपको आपकी लाइफ में गुरु का उपाय जरूर करना, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।